प्रतिज्ञा के देश। आखिर में वह समय आ गया है कि इसराइली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करा। वह देश में यरीहो नाम के नगर रहो है। ओखे रक्षा के लाने चारों कई ऊंच मजबूत दीवार रहो है। यहोशू वह नगर में दू ठे भेदियन का भेजिस। वह नगर में रहाब नाम के एक ठे बेसिया रहत रही हूँ जौन भेदियन का छुपाए रही हूँ। और फिर बाद में भेदियन का वह नगर से बचा के निकाले में सहायता करे रही हूँ। वह ऐसा एकेला ने करीस कि वह परमात्मा के ऊपर विश्वास करत रही ही। जौन समय इसराइली यरीहो का नाश कर ही वह समय ओखे घर का बचामा के प्रतिज्ञा करीन। इसराइली मनई का प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करा का यर्दन नदी पार करा का पड़ी। परमात्मा यहोशू से कहीं कि पहले याजकन का जाए दे। जब याजक यर्दन नदी में अपन गोड़ रखीन तब पानी के धार वहाँ का रुक गा जेमा से कि सब इसराइली दूसर तरफ जा सका। उ मने जब यर्दन नदी पार कर लेन तब परमात्मा यहोशू से कहीन अब यरीहो में हमला करे का तैयार रहा। हालांकि वह बहुत दृढ़ नगर रहा। परमात्मा मनेन का कहीन कि याजक और सैनिक का छः दिन तक नगर के चारों कई चक्कर लगामा का पड़ी और याजक और सैनिक ऐसे ही करीन। तब सातवां दिन इसराइली मने व नगर के चारों कई सात बार चक्कर लगाइन। उनके नगर के चारों कई सात बार चक्कर लगाए के बाद याजक अपन तुरही फूकिन और सैनिक जोर से शब्द करिन। और जैसे ही तुरही फूकिन वैसे ही यरीहो के चारों कई के दीवार गिर गा। जैसे परमात्मा इसराइलिन का आज्ञा दे रहे हैं वैसे ही इसराइली नगर के सब चीजन का नाश कर दें और बस रहाब और ओखे परिवार का छोड़ दे रहे हैं जौन इनखर भाग बन गए रहे हैं। और जब कनान में रहा वाले मनई सुनिन की इसराइली यरीहो का नाश कर दें ही तो ऊँ डेरा गे कि इसराइली मनई उनके ऊपर भी हमला करी। परमात्मा इसराइलिन का आज्ञा दे रहे हैं कि कनान में रहा वाले कोनो भी जाति से संधि न करी। पर गिबोनी जाति के मनई यहोशू से झूठ बोल दें कि हम कनान से दूर रहा वाले मनई हन और ऊँ यहोशू से संधि करा का अनुरोध करीन। और यहोशू और दूसर अगुआ परमात्मा से नहीं पूछिन कि हम ही का करा का चाही और बिना पूछे गिबोनिन से संधि कर लें। तीन दिन के बाद इसराइलिन का मालूम चलो कि गिबोनी कनान में ही रहा थे। ऊँ गुस्सा हो गए कहे से कि गिबोनी उन्हीं धोखा दे रहे हैं। पर वह संधि का बनाए रखिन कहे से कि वह परमात्मा के सामने भर रहो है। तब कुछ समय के बाद कनान में रहा बाली जाति एमोरी के राजा सुनिस की गिबोनी इसराइली से संधि कर लें ही ता ऊ आपन अपन सेना का लई के एक बहुत बड़ा सेना बना लें और गिबोन में हमला कर दें। तब गिबोनी यहोशू के पास सहायता करा के लाने संदेश भेजिन। तब यहोशू इसराइली सेना का इकट्ठा करके गिबोनिन के सहायता करा के लाने पूरा रात चलिन। सवेरे एमोरी के सेना का चकित कर दें और भेंसरहा उनके ऊपर हमला कर दें। वह दिन परमात्मा इसराइलिन के लाने लड़िन और एमोरी के सेना का घबरा दें और ऊपर से बड़ा बड़ा ओला गिरा के बहुत सारे एमोरिन का मार डालिन। परमात्मा सूरज का भी एक ही जगह में रोक दें कि इसराइलिन का एमोरी का हरामा का भरपूर समय मिल जाए। वह दिन परमात्मा इसराइलिन के लाने एक थे बड़ी जीत का हासिल करीन। जब परमात्मा एमोरिन का हरा दें तब बहुत से कनानी जाति के बहुत सारा मनई इसराइलिन के ऊपर हमला करा का इकट्ठा हो गए। यहोशू और इसराइली हमला करके उनखर सर्वनाश कर दें। इन युद्ध के बाद परमात्मा इसराइलिन के हर गोत्र का प्रतिज्ञा के देश में उनखर भाग दें। तब परमात्मा इसराइल का और ओखे सेना का शांति दें। जब यहोशू बुढ़वा होइगा तब इसराइल के सब मनेन का एक साथ बुलाइस। तब यहोशू उ मनेन का याद करवाइस कि ऊ वाचा के पालन करा के प्रतिज्ञा करे रहे हैं जौन परमात्मा सीनै पर्वत में करे रहे हैं। परमात्मा के प्रति विश्वास योग्य रहा का और व्यवस्था के पालन करा का
वादा करीन। यहोशू अध्याय 1 से 24 से बाइबल की एक कहानी।